हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKPS स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा क्लास टेंथ का, जो कि बिहार का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। दोस्तों अगर आप बिहार का 2021 में क्लास टेंथ का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो ऑप्शन ए में लिटन, बी में रिपन ने, सी में करजन ने, डी में जो कि है डरविन ने। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो करजन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड में, बी में जर्मनी में, सी में जो कि भारत में, डी में जापान में। तो 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड में, जो कि 10 घंटे का आंदोलन चला था इंग्लैंड में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया, तो ऑप्शन ए में है रेमंड अनबिन का, बी में है एवे नेजर का हार्वर्ड का, सी में है जो कि है बैरॉन हॉर्समॉन का, डी में है जो कि है विलियम हॉर्नबी का। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा थ्री का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी बैरॉन हॉर्समॉन जो था सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था, तो जो कि है बैरॉन हॉर्समॉन का किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में भेड़, बी में खरगोश, सी में शेर, डी में भालू। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए होगा, भेड़ जो है भेड़, ठीक है, पर जो कि है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो भेड़ के रोए जो होता है उससे जो कि है पश्मीना ऊन बनाया जाता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव है, कह रहा है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात, डी में गोवा। तो कांडला पतन किस राज्य में बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा फाइव का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, गुजरात में जो कि है कांडला पतन किस राज्य में बनाया जाता है, तो गुजरात, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए में पटना, बी में हाजीपुर, सी में सोनपुर, डी में समस्तीपुर। तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सिक्स का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन बी होगा, हाजीपुर में, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है जो कि हाजीपुर में है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन करा भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो ऑप्शन ए में 1975, बी में 1980, सी में 1985, डी में जो कि 1990। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेवन का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, 1985 जो है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1985 ईस्वी में लागू हुआ था, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन है, ऑप्शन ए में चीन, बी में अमेरिका, सी में भारत, डी में फ्रांस। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा एट का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन सी होगा, भारत में, ठीक, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत देश है, ठीक है, ऑप्शन ए सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन का रहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है, तो ऑप्शन ए में मार्शल ने, बी में जो कि रॉबर्टसन ने, डी में सी में कह रहा है कि हर्टले बिदस ने, डी में कह रहा है सेलिंग मैन ने। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइन का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, हार्टले बिदर्स ने जो किया है मुद्रा, वो जो मुद्रा का कार्य करती है मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी, तो हार्टले बिदर्स ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दसवां कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, ऑप्शन ए में 1952 ईस्वी, बी में 1962 ईस्वी, सी में 1972 ईस्वी और डी में 1982 ईस्वी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 10 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, 1982 ईस्वी जो कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में हुआ था, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो ऑप्शन ए में दिया गया है
जो कि एवेंजर, हार्वर्ड, बी में करा विलियम, सी में नेपोलियन तृतीय, डी में हॉर्समन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए होगा, एवेंजर हार्वर्ड जो था, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो एवेंजर हार्डर किया था, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। हम अगला क्वेश्चन ले चलते हैं आपको, तो आप लोगों को जो कि ये पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ग्रुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में जर्मनी, सी में जापान, डी में इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 12 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, जर्मनी जो कि है। ग्रुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए में ए ओ जो कि है ह्यूम, बी में करा कि डब्ल्यू सी बनर्जी, सी में करा कि बद्रोहिन जो कि है बैतब जी, डी में करा एनी बेसेंट। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, डब्ल्यू सी बनर्जी जो था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है, करा 10 कैपिटल की रचना किसने की, तो ऑप्शन ए में है जो कि एंजल्स, बी में जो किया दोस्तों बस की, सी में टाल्सियर, डी में कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स जो था, 10 कैपिटल की रचना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ऑप्शन ए में मेजनी, बी में हिटलर, सी में बिस्मार्क, डी में विलियम वन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि है 15 का मेरा जो बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, बिस्मार्क जो कि है बिस्मार्क, ठीक है। रक्त एवं लव का नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि गैरिबाल्टी पेशों से क्या था, तो गैरिबाल्टी पेशों से क्या था, तो ऑप्शन ए में दिया गया सिपाही, बी में किसान, सी में जमींदार, डी में नाविक। तो गैरिबाल्टी पेशों से क्या था, तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि है 16 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है, नाविक में गैरिबाल्टी पेशों का संबंध था नाविक में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो ऑप्शन ए में 1861 ईस्वी, बी में 1862 ईस्वी, सी में 1863 ईस्वी, डी में 1864 ईस्वी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 17 का दोस्तों जो कि ऑप्शन ए होगा, 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो यहाँ पर जो ए में दिया गया होचिमी, सी में है जो कि फोन बोई चाउरू, डी में जो कि कुआंग डी तिथ्रू। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, फोन बोई चाऊ जो था, फोन बोई चाऊ जो कि है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का किसने लिखा था, तो फोन बोई चाऊ ने लिखा था, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो यहाँ ए में दिया गया 1929 ईस्वी लाहौर में, बी में करा 1931 ईस्वी कराची में, सी में करा 1933 ईस्वी कोलकाता में, डी में करा 1937 ईस्वी बेलगांव में। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, 1929 ईस्वी जो कि लाहौर में पूर्ण स्वराज की जो कि है का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1929 ईस्वी हुआ था जो कि लाहौर में हुआ था, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि एलटीयू का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया था, तो यहाँ ए में मोतीलाल नेहरू, बी में लाला लाजपत राय, सी में महात्मा गांधी, डी में चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, लाला लाजपत राय जो है एक्टिव प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया, तो लाला लाजपत राय ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो कि है 21 कर रहा है कि काली मुद्रा का दूसरा नाम
क्या है? तो ऑप्शन ए में बलुई, बी में रेगूर, सी में साल, डी में जो कि पर्वतीय है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी रेगूर जो था, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ऑप्शन ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 22 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश में जो कि है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ऑप्शन ए में असम, बी में राजस्थान, सी में बिहार, डी में तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 23 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, केरल में जो कि है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो केरल, केरल में है, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, असम होगा, और 23 का जो है ये असम होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन समाप्त करेंगे। कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन ए में पेट्रो रसायन, बी में लौह अयस्क, सी में चित्ररंजन जो कि लोकोमोटिव, डी में कह रहा है चीनी उद्योग। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 24 का, जो कि ऑप्शन डी होगा, चीनी उद्योग जो था। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग कहते हैं? तो चीनी उद्योग को कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो कि अब मैं क्लास को समाप्त करता हूँ, और क्लास मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।